किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। ये लिस्टर इंजन चल रहा है मेरे पासर में, आप देख रहे हैं। पहले कभी यहाँ आइसर इंजन चलता था और ये इंजन जो है ये LPG गैस सिलेंडर से चल रहा है। पहले आइसर इंजन चलता था लेकिन अब लिस्टर इंजन चल रहा है। क्या इसके लाभ हैं खेती किसानी में और क्या इसके खास बात क्या है, कैसे आप भी अपने लिस्टर इंजन या आइसर इंजन को और ये LPG गैस सिलेंडर से चला सकते हैं दोस्तों, क्या किसान के अनुभव में कितना लाभ इस खेती किसानी में यानी पानी की सिंचाई में हो सकता है दोस्तों, पूरा वीडियो देखना है, लिंक साथियों में ज़रूर शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों को किसान के अनुभवों की जानकारी हो सके। और दोस्तों, पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना और आप देखें पहले किस तरह से ये इंजन चल रहा है। ये गैस से यानी जिस गैस से आपकी घर की रसोई चलती है और जिस गैस से आप घर की रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं उसी गैस के सिलेंडर से ये लिस्टर इंजन चल रहा है, NCR के इलाके में चल रहा है। दोस्तों देखें किसान के अनुभव, जानें, सीखें और समझें और करें कुछ नया प्रयोग जिससे कुछ मिले आपको खेती किसानी में, नए अनुभव, नया फायदा और नया मुनाफा। किसान भाई, आप देख लें ये लिस्टर इंजन है, कितने HP का है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये सिलेंडर आप देख रहे हो और ये पानी बहुत ज़्यादा नीचा नहीं है, यहाँ पानी काफ़ी ऊंचा है। ये बोरिंग है, पंखा लगा हुआ है, इस पर ये पटा घूम रही है और ये पानी चल रहा है, धान की फसल लहला रही है। काफ़ी दूर तक ये पानी जा रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक खेतों में पानी जा रहा है। और ये वही जगह है, कुछ दिनों पहले हमने इस जगह की आपको वीडियो दिखाई थी लेकिन तब यहाँ पर आइसर इंजन चल रहा था, लेकिन अब लिस्टर इंजन चल रहा है। लिस्टर इंजन देख लें, किसान का जो सिलेंडर है उसे देख लें और ये जो वही रेगुलेटर है जो रसोई में होता है और वो रेगुलेटर से सीधी नली आ रही है और इसके एयर में जा रही है। ये एयर वाला सिस्टम है आप देखें, और यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है, देखिए ना 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 ना, ये आवाज़ बढ़ाने पर ज़्यादा आवाज़ बढ़ती है इसकी, और यहाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक पिन लगी हुई है और पिन इसमें एयर में लगी हुई है, हालांकि हेड इसका खुला हुआ है और पानी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है। ये आप इसका गवर्नर देख लें, स्पीड को चलाने वाला बिल्कुल बहुत ही शानदार मस्त चाल से पानी दे रहा है और खूब बढ़िया पानी दे रहा है। आप देखें क्या लाभ है इसके, क्या बचत है इसकी और किस तरह कितनी देर में एक सिलेंडर से कितने घंटे आप ये इंजन चला सकते हैं। सीधे किसान भाई यहाँ मज़े से चारपाई पर बैठे हैं, पालथी मारे और उनसे ही बातचीत करते हैं और परिचय जानते हैं। भाई साहब, पहले तो अपना थोड़ा सा नाम और परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान है। असलम खान साहब, तो ये उस्मानपुर गांव ग्रेटर नोएडा का है। तो असलम भाई, ये बताइए खेती किसानी कितनी कर रहे हैं आप, कितनी खेती है आपके पास? 5 किला। 5 किला, तो ये जो है धान कर रहे हैं समय खेती? धान कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो हम आपका इंजन देख रहे हैं सर यहाँ, तो इंजन तो पहले भी यहाँ चल रहा था ये इससे आपके रसोई गैस सिलेंडर से, पहले आइसर इंजन चला करता थे हम, लेकिन अब ये आप चला रहे हैं लिस्टर इंजन चला रहे हैं। तो भाई साहब, ये बताइए कि लिस्टर इंजन में आइसर इंजन चलाने में अंतर क्या है? अंतर यही, वो 300 ग्राम घंटा खाता था, इधर 200 ग्राम घंटा खाता। अच्छा, आइसर इंजन थोड़ा तेल ज़्यादा खाता था तो, और तेल जब खाता था तो उस पर सिलेंडर से चलाते थे आप इसे, तो अब ये 200 ग्राम घंटे खा रहा है। अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग तो इसकी डीजल पे ही होगी? डीजल पे होगी। अच्छा अच्छा, और ये जो है इसमें कितना घंटे चल जाता है जी आपका? ये 35 घंटे चलता है जी। 35 घंटे, पूरा हिसाब किताब लगा लिया जी आपने? 35 घंटे चलता है। तो अब 200 ग्राम यानी कि 100 रुपये भाव हो गया डीजल का भाई साहब, तो 200 ग्राम हो गया 20 रुपये का, 20 रुपये घंटे पर आप इसे चला रहे हैं सर, 20 रुपये घंटा तो खर्चा हो गया आपका डीजल इंजन का भाई साहब। अब ये हो है सिलेंडर जो हम देख रहे हैं, ये 35 घंटे चला रहा है आपका, तो सिलेंडर भरा जा रहा है 1000 रुपये में, 800 रुपये, 850 रुपये में, तो 850 रुपये में ये कितना फिर आपको मुनाफा बचत हुई, ये क्या हिसाब में पड़ गया? ये 50 रुपये घंटे मान लो तुम। अच्छा अच्छा, हिसाब किताब लगा लिया टोटल, 50 रुपये घंटे का पड़ रहा है। और वैसे इसको मतलब 1 लीटर खाएगा ये पानी पर, 1.25 लीटर खाएगा? 1 लीटर तो 100 रुपये का, तो यानी 50 रुपये की बचत होगी भाई साहब, 50 रुपये की बचत होगी। जरा खड़े होकर हमारे किसान भाइयों को बताइए, थोड़ा से धराइए भाई साहब, कि ये बताइए असलम खान जी कि इससे जो है इंजन के हेड वेड पर कोई
फर्क तो नहीं है या कोई खास? कितने हॉर्स पावर का है ये आपके बारे? 10 हॉर्स पावर का है। पानी की गहराई कितनी है सर आपकी? ये पानी कितनी गहराई से निकाल रहा है आप? पानी होगा ये 4 फुट। चार पाँच फुट तो यही होगा ना? हाँ जी। नीचे पानी कितना फुट होगा? 20 फुट। 20 फुट यानी ये 25 फुट गहरा पानी है। तो आप इस मजे से इससे निकाल सकते हो कि 25 फुट गहरे को, और 25 फुट गहरे पानी को निकालने में आपको 50 रुपये घंटे की बचत हो रही है भाई साहब। तो ये तो बात मुनाफा है आपको, आधा पार मुनाफा है। लेकिन इस इंजन में क्या कमी वमी तो नहीं आ रही? कुछ कुछ कमी नहीं है। मानो जल्दी इसका हेड बीत जाए ऐसी कोई बात हो, या इसका जल्दी बोर बीत जाए ऐसी कोई बात हो भाई साहब? ऐसी कोई शिकायत ना आई? ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। तो आप कितने दिन से चला रहे हैं आप भाई साहब? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए इसको साथ चलाते? तो आईसल चलाते थे तो 10 रुपये खर्चा ज़्यादा होता था। हाँ, वो 55 रुपये घंटा पड़ता था, 55 घंटा पड़ा है। तो ये 35 रुपये जो घंटे चल रहा है, तो आईसल में तो कम घंटे चलता हुआ 31-32 घंटा। अच्छा। तो कुल मिला के किसी तरह का कोई इसमें वो नहीं है? अच्छा, खर्चा कितना हो गया? सिलेंडर तो आपका एज इट इज ही है भाई साहब, नली रसोई गैस वाली आई? 200 रुपये का। 200 रुपये खर्चा। तो ये कहाँ जुगाड़ करवाया आपने भाई साहब? ये खराद वाले कर देते हैं। तो ये जो जुगाड़ है, ये वाला जो है, क्या कहेंगे आप इसको? तो खराद वाला कर देते 80 रुपये के तो यहाँ। अच्छा, 100 रुपये की करने वाले ले गए खराद वाला। अच्छा अच्छा, 25-25 रुपये की नली आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, रेगुलेटर अपने घर का है रसोई का। ये तो अलग से मशीनरी वाले के यहाँ मिल जाएगा? नहीं, इंजन का। ये तो ये कहाँ से मिलेगा? ये सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर ठीक करते हैं। अच्छा, गैस का सिलेंडर जो ठीक करते हैं उनसे मिल जाता है, और खराद वाला इसे फिट कर देता है। लीकेज वगैरह कोई खतरा नहीं? कुछ नहीं। तो कोई खतरा कोई टंटा नहीं किसान भाइयों? आपने देखा सुना समझा, मात्र 200 रुपये का खर्चा आपको करना पड़ेगा, और आजकल गैस की कमी नहीं है। तो भाई साहब, और गैस की कमी नहीं है, और किसान जो छोटा किसान है उसे इस कामकाज को करने में कोई नुकसान भी नहीं। गैस तो भाई साहब उपलब्ध हो जाती है आपके पास जब डॉल सिलेंडर है ना? तो किसान भाइयों, ये नया प्रयोग है और गैस से चल रहा है, ये लिस्टर इंजन चल रहा है। आप भी यदि अपना निजी काम करना चाहते हैं और 50 रुपये घंटे की आप बचत करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत ही लाभ का है। बता दिया, समझा दिया कहाँ से ठीक करेंगे। दोस्तों, वीडियो का लिंक साथियों में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो सके। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, ग्रेटर नोएडा के खेतों से, नमस्कार।